आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2022 की प्रमुख घटनाओं के बारे में। जब 2023 दस्तक देने को तैयार है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम 2022 को एक बार जानने समझने की कोशिश करें। इसी बहाने हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर 2022 की वो प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं जिसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, या फिर 2022 किन मायनों में अपनी यादें छोड़ जाएगा। तो इन्हीं चीजों को आज के इस वीडियो में हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बात करते हैं 2022 की प्रमुख घटनाओं के बारे में। पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में आए, क्योंकि उनका काफिला किसानों के विरोध आदि की वजह से फिरोजपुर जिले में एक फ्लाईओवर में फंस गया था। ये घटना जहां हुई वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर केवल 20 किलोमीटर ही दूर था। ऐसी स्थिति में बड़ी घटना हो सकती थी, यानी कि पीएम की सुरक्षा में चूक 2022 की एक कह सकते हैं कि प्रमुख घटनाओं में शामिल हो गया। हस्तियों ने अलविदा कहा। जी हाँ, इस साल कई हस्तियों ने भी हमें अलविदा कह दिया। 17 जनवरी को बिरजू महाराज, 6 फरवरी को लता मंगेशकर, 15 फरवरी को बप्पी लहरी, 12 फरवरी को राहुल बजाज का निधन हो गया था। वहीं 21 सितंबर को कार्डियक अरेस्ट की वजह से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। बात करते हैं हिजाब विवाद की। अक्टूबर 2021 में शुरू हुए कर्नाटक में हिजाब विवाद ने इस साल जनवरी में भी तुल पकड़ लिया। जब इस मामले में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की राय भी विभाजित रही। अब यह मामला बड़ी बेंच के पास है। बात करते हैं नुपुर शर्मा विवाद की। राजनीतिक जगत में संबंध रखने वाली नुपुर शर्मा इस साल काफी सुर्खियों में रही। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में बड़ी हिंसा हुई। वह मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गईं। इसके बाद नुपुर को इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। जून में अग्निपथ स्कीम सुर्खियों में रहा। इस दौरान भारत सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ स्कीम का विरोध किया गया। विरोधियों ने इस दौरान कई ट्रेनों को आग लगा दिया, जिससे रेलवे नेटवर्क बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। अब बात करते हैं पांच राज्यों के चुनावी नतीजे की। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए गए। इन नतीजों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की और पंजाब में आम आदमी पार्टी आप ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब बात करते हैं दी कश्मीर फाइल्स फिल्म विवाद की। 11 मार्च को फिल्म दी कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज पर देश भर में काफी बवाल देखने को मिला। इस फिल्म को प्रोपगेंडा बताकर फिल्म को बायकॉट करने की अपील की गई। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी सफलता पाई। अब बात करते हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। 19 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिंगर की मौत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। उन्हें कई दिनों से मारने की धमकी दी जा रही थी। उन पर दिन दहाड़े रास्ते में ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी गई थी, जिस कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब बात करते हैं राजनीति से जुड़े हुए सत्ता परिवर्तन की। महाराष्ट्र और बिहार में इस साल सत्ता परिवर्तन हुआ। महाराष्ट्र में उद्भव ठाकरे की सरकार चली गई और एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी से किनारा कर लिया। अब बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को दिल दहलाकर रख दिया। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफताब ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफताब ने शव के 35 टुकड़े कर उसे जंगलों में फेंक दिया। इस वक्त आफताब तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये थी 2022 की वो प्रमुख घटनाएं जो अब एक इतिहास बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।